एडवांस hey so, वीडियो से मांग रहे थे वो बना and अब वो वीडियो और आप सीख जाओगे और अगर इसका जवाब है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता तो गलत जवाब है हाँ ऐसा ही है आप एक वीडियो देखिए पूरी सीख जाओगे इसी वीडियो में यू लर्न ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट जावस्क्रिप्ट एक चीज जो मैंने कवर नहीं करिप्ट अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ नंबर एक नंबर दो मैंने इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई हैं बार बार कई बार बोला है कि आप उसमें नोट्स बनाएं ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं इस वीडियो को बनाते वक्त अभी के अभी अगर घर में कॉपी है कॉपी उठाओ एक पेन उठाओ और बहुत शॉर्ट नोट्स बनाना अगले तीस दिन लगातार उन नोट्स को पढ़ोगे तुम अगर तुम बड़ा पैकेज क्रैक करना चाहते हो जेएस को ढंग से सीखना चाहते हो ये वीडियो इनफ है और पिछली वीडियो और ये वीडियो मिला के दैट इज इनफ टू लर्न आवर स्क्रिप्ट मैंने इसमें वो सब कुछ बताया है और कई कई जगह हमने रियलिस्टिक एग्जाम्पल उठाए नो वॉटिंग अबाउट सो हमने काफी ज्यादा इस वीडियो को डिटेल रखा है काफी चीजों को बताया है और जो मैं तुमसे शेयर कर रहा हूं याद रखना बढ़िया नोट्स तुम्हें इसमें जीत देंगे और इस वीडियो के बाद आज से तीस दिन बाद सीखे हुए ज्ञान से तुम अपने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय दे पाओगे ठीक है अब इस वीडियो को हम शुरू करेंगे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले वो टॉपिक्स शुरू करेंगे जो डबल माइनस से शुरू होते हैं और खत्म भी यूनी टॉपिक्स के साथ करेंगे तुम्हें लगातार नोट्स बनाने हैं लगातार टॉपिक को सीखना है नोट्स को छोटा रखना है और जहां पर भी फेलियर मिलेगा वीडियो को पॉज करो जाओ घूमने अपने दोस्तों के साथ और और लौट के आओ और फिर वहीं से शुरू करो कई बार वीडियो के दौरान तुम्हें ऐसा लगेगा कि आप बस हो गया रहने देते पॉज द वीडियो जितने नोट्स बनाए उनको पास में रखो आज की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है जाओ घूमो फिर अपने नोट्स को रेफर करो और एक बार रिवाइज करके वापस उस वीडियो को शुरू करो लेट्स स्टार्ट द जर्नी है आप लोगों के तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं उन डबल माइनस जावास्क्रिप्ट एडवांस टॉपिक्स को जो हमने पिछली बार छोड़ी थी अगर याद हो तुम्हें राइट और मैंने उसमें सारे बेसिक्स कवर करा दिए थे ये वो वीडियो है आप देख सकते हो और मैंने उसका आई बटन पे यहाँ पे लिंक लगा रखा है ठीक है आपने अगर नॉर्मल टॉपिक्स नहीं पढ़े अगर आपको ये तीन नहीं आते तो भूल जाओ कि आप अगली चीज पढ़ पाओगे ठीक है तो इसलिए मेरा सजेशन नहीं रिक्वेस्ट भी नहीं मेरा आपको एक छोटे भाई के तौर पे बड़े भाई के तौर पे एक छोटा सा ऑर्डर है कि जाओ पहले प्लीज वो वाली वीडियो देख के अपने बेसिक्स कवर करो व्यू की बात नहीं है वीडियो दिखवा दूंगा की बात नहीं है बात सीखने की है ठीक है जाओ पहले वो सीखो फिर उसके बाद इन एडवांस टॉपिक्स पे आना नंबर एक नंबर दो हम लोग एक छोटा सा कंपटीशन करने वाले हैं इस साल है, अगर तुम ना में ऐसा कोई इवेंट होता है ना कोई कॉम्पिटिशन वेबडेफ से देखने को मिलते हैं लेकिन मैं करवाना चाहता हूं हम ये कॉम्पिटिशन करेंगे उसके लिए मैं अगली वीडियो में कुछ लेकर आऊंगा प्राइज मनी होने वाला है बस मुझे एक चीज बताना कॉमेंट में प्लीज हाँ अगर तुम इस वीडियो की तारीफ नहीं भी करोगे कोई बात नहीं दोस्त कमेंट से वीडियो ज्यादा चलती है और मुझे काफी अच्छा लगता है चैनल ग्रोथ में लेगी तो बट फिर भी मुझे नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए क्या मुझे चाहिए बट अगर तुम नहीं करोगे तो भी ठीक है बट एक चीज का कॉमेंट जरूर करना दैट इज कि तुम्हें वो एक वेब डेफ कॉम्पिटिशन सॉर्ट ऑफ चाहिए या नहीं ठीक है चलो तो दैट इज अबाउट द डील और अब शुरू करते हैं हम पढ़ाई लेट्स गो तो सबसे पहले मैंने इन तीन टॉपिक्स को बेसिक्स में कवर कर रखा है और आज हम बात करने वाले हैं वेर एंड लेट के डिफरेंस के बारे में कि वेरिएबल्स में हमारे पास तीन तरीके हैं वे, वेरिएबल्स में तो दो तरीके हैं कॉन्सेप्ट में एक तरीका है इनमें फर्क क्या है ठीक है इससे पहले हम वो शुरू करें मैं कुछ थ्योरी तुम्हें पढ़ा रहा हूं थ्योरी नहीं है मजेदार चीज है मजा आएगा ठीक है

पहले ES5 पहले बना है और ES6 बाद में बना है कॉल आ गया था थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया लेट्स गो तो ये वाला न्यू वर्जन है और ये वाला ओल्ड वर्जन है ठीक है ये समझ आया तो अगर मैं तुमसे पूछूं जावास्क्रिप्ट के कितने मेनली वर्जन तुम कहोगे दो कौन-कौन से ES5 और तुम कहोगे ES6 ठीक है डन नोट्स बना लेना अगर यू वांट बेसिक नोट्स बहुत सिंपल सिंपल नोट्स मतलब ऐसे नोट्स के चार से पांच पन्ने में खत्म हो जाए ऐसे नोट्स बना लेना ठीक है तो वैर लेट कॉन्स्ट क्या है भैया आप तो ये पढ़ा रहे थे अभी रुको ना तुम बात सुनो पहले तो जावास्क्रिप्ट के मेनली दो वर्जन हो गए ई एस फाइव हो गया ओल्ड और ई एस सिक्स हो गया न्यू अब ई एस फाइव जो ओल्ड वर्जन है उसमें सिर्फ कौन था वैर और ई एस सिक्स में जो नया वर्जन है उसमें कौन है लेट एंड कॉन्स्ट बात सुनो पहले इधर देखो अगर तुमने आ, मैं कैसे समझाऊं इसको रुको अगर तुम ये यूज कर रहे हो रिमोट ठीक है इस रिमोट में मान लेते हैं कि यहां पे रेड बटन है ठीक है तो ये रेड बटन किसका है इस रिमोट का सही है ना आप ये रेड बटन दूसरे रिमोट पे यूज नहीं कर सकते जो कि वहां पर नहीं है पॉइंट को समझना आपका जो पुराना जावास है पुराना जावासक्रिप्ट पुराने जावासक्रिप्ट में क्या है वैर है तो अगर आप पुराने टाइम में यूज करना चाहते थे वेरिएबल्स, तो एक ही रास्ता था वैर सही है और आज के टाइम पे ES6 नया वर्जन आया है उसमें क्या है भाई साहब? उसमें लेट है और कॉन्स्ट है अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे पहला भैया ये जो आपने वैर बोला और यहां पे लेट एंड कॉन्स्ट बोला आपने हां भैया तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि ई एस फाइव में सिर्फ वेर है हां और भैया क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ लेट एंड कॉन्स्ट ई एस सिक्स में है हाँ तो भैया हम कौन सी जहाज पढ़ रहे हैं हम दोनों पढ़ रहे हैं मिक्स मिक्स करके मिक्सचर मतलब तुम जो समझ रहे हो वो एक छोटी सी गलती है वो ये है तुम सोच रहे हो या तो लेफ्ट या तो राइट तुम तो सोच रहे हो या तो व्हाइट या तो ब्लैक तुम सोचते हो या तो गर्लफ्रेंड रहेगी या तो नहीं रहेगी और मैं क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं सेंटर ना लेफ्ट ना राइट right. मैं कह रहा हूं ग्रे ना व्हाइट ना ब्लैक मैं कह रहा हूं फ्रेंडशिप ना गर्लफ्रेंड है ना नहीं है तुम पॉइंट को समझ रहे हो इसमें फायदे ज्यादा होते हैं नाइस <laughs> nice. तो अगर अपन समझें यहां पर क्या होने वाला है ऐसा नहीं है कि तुम या तो ई एस फाइव यूज करोगे या तो ई एस सिक्स ऐसा नहीं है कैसा है तुम दोनों को मिक्स करके यूज करोगे ई एस फाइव ई एस सिक्स समझे ई एस फाइव भी यूज करेंगे और ई एस सिक्स भी यूज करेंगे अब सवाल है भैया ऐसा कैसे पॉसिबल है पॉसिबल ऐसे है कि हमारा जो वेब ब्राउजर इंस्टॉल होता है अपडेट होता है उसके साथ एच टी एम एल की नई प्रॉपर्टीज सीएसएस की नई प्रॉपर्टीज और जावा स्क्रिप्ट की नई प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है ये समझे तो कहने का मतलब तुम्हें कभी एच टीएम सी एस एस और जीएस अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता वो प्री बिल्ट प्री इंस्टॉल्ड आते हैं कैसे ब्राउजर्स में ब्राउजर अपडेट करो प्रॉपर्टीज अपडेट हो गई अच्छा भाई आप ये कह रहे हो हाँ जी और हम कौन सी यूज कर रहे हैं हम दोनों यूज कर रहे हैं एक बार में हाँ तो मतलब एक साथ यूज कर सकते हैं हाँ। क्या बात कर रहे हो हाँ, मतलब यही बात कर रहा हूं ठीक <laughs> है नाइस nice. तो हम ऐसा है कि जे में दोनों यूज कर रहे हैं ES5B, और मेरे प्यारे भाई सिक्स बी परफेक्ट ठीक है पढ़ाई हो गई थोड़ी सी अब थोड़ी सी बात सुनो हम लोग एक कॉम्पिटिशन uh, जो करेंगे इस साल दैट विल बी कंप्लीटली अबाउट वेब डेवलपमेंट उसमें फोकस होगा फ्रंट एंड एंड बैक एंड आई एम नॉट श्योर बैकेंड मैं श्योर नहीं हूँ ना 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 बैक एंड नहीं फ्रंट एंड ठीक है फ्रंट एंड पे रेवल पे तगड़े लेवल और उसका कॉम्पिटिशन करेंगे इस साल पूछा टारगेट क्या है मेरा? प्लीज मेरे भाई प्लीज प्लीज, प्लीज हाँ एक छोटा सा टारगेट है यार तुम ही लोग मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते हो पढ़ा मतलब अगर तुम तो मुझे भैया टीचर जो भी मानते हो तुम तो मेरी छोटी सी इच्छाएं पूरी कर सकते हो मेरा टारगेट है इस बार ऑनलाइन जो हम नवंबर दिसंबर में करेंगे वन थाउजेंड पोस्ट एक हजार पोस्ट बहुत बड़ा नहीं मांग रहा हूँ कुछ मैं आपसे एक हजार कराओ और अगर किसी ऑलरेडी का कॉमेंट है तो उस पर लाइक भी कर सकते हो बट लाइक को मैं मानूंगा नहीं मैं तुम्हारा कमेंट जानना चाहता हूं तुम क्या सोचते हो क्या आइडिया कैसा आइडिया है कुछ कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना भैया ऐसा करना ऐसा मत करना थोड़ा सा डिटेल्ड बताना मुझे है ना कि भैया ना ये चीज मत करना वो चीज करना ऐसा मत करना वैसा करना मुझे बताना ठीक है तो अब आगे बढ़ेंगे कौन सी हो गई, अब करते हैं। तो तीसरा जो है वो वेरिएबल बनाने का नहीं बट कॉन्स्टेंट बनाने का तरीका है तो भैया इनमें फर्क क्या है फर्क यह है मेरे प्यारे भाई कि जो ओल्डर जावा है ओल्डर पुरानी जावा उसमें वैर है और let है और जो नई जावा स्क्रिप्ट है ओ गलती कर दी एम सॉरी यार पता नहीं मेरा दिमाग कहां जा रहा है ओल्डर जो है उसमें सिर्फ वैर है सॉरी यार सॉरी सॉरी हाँ ओल्डर जो उसमें सिर्फ वैर है और जो नई है न्यू ठीक है उसमें है लेट कॉन्स्ट ठीक है तो ओल्ड में क्या है ओल्ड वे, में वेरिएबल होत, वैर होता था और नई में क्या होता है नई में कॉन्स्ट और लेट होता है तो नई में भैया वैर नहीं होता नहीं तो फिर हम वेर यूज नहीं कर पाएंगे फिर नहीं समझो तुम ई एस वाइव ई एस सिक्स दोनों यूज कर सकते हो ना एक साथ तो नई वाली में जो लेट कॉन्स्ट आया है वो पिछले वाले एक पे जुड़ा है रिप्लेस थोड़ी किया है ऐसा थोड़ी हुआ कि हट गया गया और लेट आ गया। नहीं 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 वैर तो है ही है लेट भी आ गया कॉन्स्ट भी आ गया भी समझना समझ लो समझ प्लस हुआ है प्लस ओके ठीक है भाई हो तो मैं समझ आ गया तो पहला डिफरेंस अब हम जो इन पर बात करेंगे वो ये है वैर ओल्ड जेएस में था लेट कॉन्स्ट न्यू जेस में है ठीक है ये है पहला डिफरेंस और मैं अब क्या पढ़ा रहा हूं अभी The difference between where, let const. मैं ये आपको भी पढ़ा रहा हूं ठीक है बिटवीन वेर लेट कॉन्स्ट बढ़िया तो वेर ओल्ड JS में था लेट कॉन्स्ट न्यू JS में है पहला फर्क दूसरा फर्क अब दूसरा फर्क भी दिमाग के ऊपर से जाएगा अभी फिर समझाऊंगा आ जाएगा समझ var फंक्शन स्कोप्ड होता है लेट ब्रेसेस स्कोप्ड होता है अब ये वाला जो पढ़ा रहा हूं ये अभी समझ नहीं आएगा जब आगे जाके अगर तुमने पहली वीडियो पढ़ी होगी फंक्शन वाली तो जरूर समझ आ जाएगा ठीक है बट अगर तुमने पहली वीडियो नहीं पढ़ी तो या न, और तुमने कभी जेस नहीं पढ़ी कभी जिंदगी में तो ये काफी कम समझ आएगा इसकी मैं अभी गारंटी कर सकता हूं ठीक है लेकिन फिर भी तुम देखो अपन कोशिश करते हैं तो वेर फंक्शन स्कोप्ड होता है जी आपने एक फंक्शन बनाया ये बन गया फंक्शन क्या होता है फंक्शन पिछली वीडियो में बता चुका हूं और अगर आपने उसके अंदर एक वेरिएबल बना लिया ये बन गया वेरिएबल तो आप इस वेरिएबल को पूरे फंक्शन में कहीं भी यूज कर सकते हो तो सर इसमें क्या बड़ी बात है एक बड़ी बात है दिखाऊं यह देखो और ये कई बार इंटरव्यूज में पूछ ले जाता है और हम इसका आंसर कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हम इसका आंसर कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि इसका आंसर क्या आएगा मतलब सही एक्सपेक्ट नहीं कर पाते एक्सपेक्ट भी वर्ड नहीं रहेगा वहां पे सही आंसर नहीं बता पाते बोलना चाहिए मुझे ठीक है अगर मैं इस फंक्शन को चलाऊं तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा वन से इलेवन सही है और इस वाले के लिए एक एरर प्रिंट होगा कि भैया आई नहीं है सही है इन और अब कई लोग जो दिमाग लगा रहे होंगे वो कहेंगे नहीं 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 इसमें भी कुछ होगा प्रिंट हाँ होगा प्रिंट लेकिन कैसे वो सुनो ऐसा क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलाउड नहीं है कि आप आई को फॉर के बाहर यूज कर लो दिस इज नॉट अलाउड बट जेएस में ये पॉसिबल है क्यों क्योंकि जो आपने वैर बनाया है ये फंक्शन स्कोप्ड है पढ़िए ना फंक्शन स्कोप्ड इसका मतलब है इसका मतलब है वैर अपने पेरेंट फंक्शन में कहीं भी कहीं भी यूज हो सकता है ठीक है और एक छोटा सा सजेशन आप जब भी वैर बनाते हैं याद रखिए आपका जो भी पेरेंट उस वैर वैर का जो भी पेरेंट फंक्शन है भाई साहब सुनो वैर जब भी बनाया उसका जो भी पेरेंट फंक्शन है पूरे फंक्शन में कहीं भी यूज हो सकता है वो पॉइंट को समझ रहे हो तुम मेरे तो इसलिए ख्याल रखना इस चीज का कि आपने ये जो वैर बनाया है ये पूरे फंक्शन में कहीं भी यूज हो सकता है तो क्या मत करना ये मत सोचना क्योंकि तुम्हारा फॉर खत्म हो गया तो वैर खत्म हो गया नहीं हुआ आप उसको बाद में भी यूज कर पा रहे हो क्या आप ये समझ रहे हो भाई आप इसे चला के बताओ लो चला के बता दे रहा हूं एक मिनट रुको लेट 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 सी देखो देखना ठीक है चलें यहां पे अब एक फंक्शन को आप चलाएंगे मैं तुम्हें पहले आंसर बताऊं क्या आने वाला है उसके बाद अपन चेक करते हैं आंसर प्रिंट होगा वन से इलेवन और फिर हम सोचते हैं कि खत्म, खत्म, खत्म बाकी में ऐसा ही होता है क्योंकि भाई हो गया तो वेर भी खत्म हो गया ये जो वेर बनाता उसके अंदर क्योंकि वेर चलेगा और देखो और भैया इसका कोई रास्ता नहीं है ठीक करने का हा भाई उसी रास्ते को हम लेट कहते हैं क्यों क्योंकि लेट जो होता है लेट जो होता है वो आपका ब्रेसेस स्कोप्ड होता है ब्रेसेस मतलब वो करली ब्रेसेस तो समझना क्या होगा अब लेट के साथ क्या है कि वो ब्रेसेस ये है तो लेट सिर्फ इनी में यूज़ हो सकता है को समझना? तो फिर यूज हो सकता है यूज करोगे तो इट विल नॉट आपने भैया है आई विल नॉट अलाउ यू टू यूज वी विल गेट एरर सी से 11 तक आंसर प्रिंट हुआ एंडर आई इज नॉट डिफाइंड सिंपल एज दैट अब समझ गए मेरी बात को राइट तो दैट इज फर्क मेरे भाई अब आते हैं तीसरे फर्क पे मजा आएगा तुम्हें ठीक है? विंडो ऑब्जेक्ट अब साला ये कौन है ये तो तुम्हारे दिमाग ही खुल देगा इसलिए प्लीज रखो हाँ यू लव इट एंड लेट ऐसा बस कह सकते हैं और जो मैं लेट के लिए लिख रहा हूं वो कॉन्स के लिए भी है ठीक है जो मैं लेट के लिए, लिए लिख रहा हूं वो के लिए भी है अपने नोट्स बना लेना तुम पढ़ लो पहले और सुनो हाँ एक चीज और नोट्स बनाने का तरीका सुनो मेरे साथ नोट्स नहीं बनाओगे तुम तुम मेरे साथ नोट्स नहीं बनाओगे यहां पर जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे नोट्स नहीं बनाओगे अपने ब्रेन को भूलने का मौका दो ठीक है पहले पूरा पढ़ो फुल फोकस के साथ जब तुम्हें लगता है भैया हो गया पॉज द वीडियो मेक द नोट्स और तुम लगता है नहीं यार वो क्या था वो क्या था गो बैक टू द वीडियो इसलिए बता रहा हूँ बेटा जब मैंने सीखा था ना, ना अमन दत्तर वाल था ना लब बबर था, ना स्ट्राइवर था, कोई नहीं था। भी नहीं था नीरो के कुछ डेवलपर्स थे जियो एग्जिस्टेंस पे नहीं था और सोचो मैं फिर भी आज अवॉर्डेड वेबसाइट बनाता हूँ यूट्यूब पे लगभग गिनती के कोई एक आध चैनल पढ़ा रहा होगा तो इतना सब मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है रियली really मैटर आप कहां से आ रहे हो पढ़ने का तही सही तरीका समझो खुद को चीट कौन करता है यार तो इसलिए जल्दी से आखिरी पे एक छोटा सा रिविजन वैर और कौन में कितने वेट, वेर और लेट में कितने फर्क है तीन कौन से तीन मेनली पहला वैर पुरानी जीएस से कॉन्स्ट नई जीएस से मेरे साथ बोलो

ंडो पढ़ाई करनी पड़ेगी साहब ठीक है पढ़ाई करनी पड़ेगी इसलिए आप मुझे यहां पर देखें और सुने अब मैं एक सेंटेंस यहां लिख रहा हूं उसे पढ़िए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में कुछ चीजें नहीं है जीएस लैंग्वेज में इधर सुनो इधर इधर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में कुछ चीजें नहीं है जो हम यूज करते हैं हैं हाँ जो हम यूज करते हैं यह कैसे हो सकता है मतलब नहीं है यूज कर सकते हैं हां कैसे अभी समझ आएगा जेएस लैंग्वेज में कुछ चीजें नहीं है जो हम यूज कर सकते हैं और वो चीजें हमें जेएस से नहीं बल्कि ब्राउजर से मिलती हैं ऐसी सारी सारी ऐसे सारे फीचर्स ऐसे सारे फीचर्स जो जेएस का पार्ट नहीं है बट फिर भी हम यूज कर सकते हैं फिर भी हम यूज कर सकते हैं उन्हें हम ढूंढ सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जिसका नाम है विंडो अब मेरी बात सुनो तुम पहले मेरी बात सुनो um, सुनो मेरी बात सुनो मैं तुम्हें मैं तुम्हें इसको एक रिप्रेजेंटेशन में समझा रहा हूं थोड़ी देर रुकना अब थोड़ी तुम्हें क्यों रुकना पड़ेगा मेरे को एडिट करना पड़ेगा वीडियो ठीक है रुको चलो जल्दी से फटाफट अब बात सुनो भाइयों हमें समझना है वही कॉन्सेप्ट विंडो वाला ठीक है स्क्रीन पेपर देखो ठीक है मान लेते हैं ये पेन हमारी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है ठीक है मैंने इससे कहा यार पेन एक काम करना इस कागज में छेद कर दो ठीक है तो पेन ने कहा ओके ये लो छेद हो गया राइट मैंने कहा यार पेन एक काम करना एक कुछ लिख के बताओ हर्ष लिख के बताओ तो पेन यहां पर बोलता है ठीक है ये लो हर्ष लिख के बता दे मेरे पापा डॉक्टर हैं तो राइटिंग बहुत अच्छी है ठीक है तो पेन ने दो काम मेरे कर दिए अब मैंने कहा पेन एक काम करो पेन तुम तो मेरे लिए एक मोबाइल फोन होल्डर बना दो तो पेन कहता है वेट ये मेरे बस की बात नहीं तब फिर क्या होगा पेन इस डब्बे के पास जाएगा ये डब्बा जिस डब्बे के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं ठीक है उनमें से किसे ढूंढेगा मोबाइल फोन स्टैंड को और मोबाइल फोन स्टैंड को लेकर आएगा अब मुझे तुम बताओ सुनो इधर तुम मुझे बताओ क्या ये मोबाइल फोन स्टैंड ये मोबाइल फोन स्टैंड पेन का फीचर था नहीं, नहीं था राइट ये पेन जो जहाज लैंग्वेज है उसको ये मोबाइल फोन स्टैंड खुद का फीचर नहीं है उसका वो किसके पास गया इस के पास राइट right? और इस डब्बे में और भी फीचर्स हैं देखो और भी फीचर्स हैं राइट right? इस डब्बे के पास गया इस डब्बे का नाम है विंडो इस डब्बे का नाम है विंडो और यह है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो चीजें इसके अंदर है वो तो यह चला देगी और जो चीजें इसमें नहीं है ये जाएगी डब्बे के पास और कहेगी मुझे वो चीज दे दो एंड उन चीजों को यहां से एक्सेस कर लेगी तो मुझे जल्दी से बताओ इस डब्बे की जो चीजें हैं क्या वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है नहीं वो किसका पार्ट है वो ब्राउजर का पार्ट है ब्राउज़र में ये सारी चीज़ें अवेलेबल और वो सारी चीजें ये जो डब्बा है जिसमें ये वो हुए। इस अंदर ब्राउजर के से रिलेटेड फीचर्स डले हुए जो जेएस यूज कर सकती है क्या तुम्हें ये समझ आया मुझे जल्दी से बताना कमेंट में समझ आया या नहीं आया क्या मुझे इसमें कोई चेंजेस करने चाहिए लेट्स गो टू स्क्रीन अगेन तो आई बिलीव तुम लोग को समझ आ गया होगा अब और अभी तक मैंने जो तुम्हें बता दिया है सुनो मैं जल्दी से एक बार लिख दे रहा हूं ठीक है जेएस में कई सारे फीचर्स हैं कई सारे फीचर्स हैं पर कुछ फीचर्स कुछ फीचर्स जो हम यूज करते हैं अभी मैं बताऊंगा कौन से जो हम यूज करते हैं जो हम हाँ, हगम <laughs> जो हम यूज करते हैं वो फीचर्स नहीं है कुछ फीचर्स कुछ फीचर्स जो हम यूज करते हैं वो नहीं है वो नहीं है पर फिर भी पर फिर भी यूज कर पाते हैं यूज कर पाते हैं क्योंकि वो फीचर्स जेएस लैंग्वेज बोरो बोरो तो नहीं कहूंगा बट यूज कर लेती है यूज कर लेती है यूज कर लेती है समथिंग कॉल्ड विंडो से ठीक है यूज कर लेती है विंडो से याद रखना विंडोज मत बोलना विंडो होता है विंडो ठीक है विंडो से और विंडो क्या है और विंडो है एक एक बॉक्स ऑफ फीचर्स बॉक्स ऑफ फीचर्स गिवेन बाय ब्राउजर गिवेन बाय ब्राउजर टू यूज विथ सो मेरे प्यारे भाई अब चलो बारी आ गई जरा देखने की विंडो है कहां और कौन से फीचर भैया आप कह रहे थे बताऊं कौन से फीचर्स तुमने यूज किए होंगे अगर कभी जवाब पढ़ी है तो क्या तुमने अलर्ट कभी यूज किया है ये अलर्ट जवाब का पार्ट नहीं है ठीक है क्या बात, हाँ, बात कर रहा हैं हां यही बात कर रहा हूं एलोर्ट इज नॉट इज नॉट दार्ट ऑफ जाओ स्क्रिप्ट सच में हाँ सच में ठीक है ओके प्रॉम्प्ट यूज किया कभी प्रॉम्प्ट भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है सिर्फ इतना ही नहीं कंसोल भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है तो कंसोल भी उसका पार्ट नहीं है प्रॉम्प्ट भी नहीं है एलोर्ट भी नहीं भैया तो फिर पार्ट क्या है पार्ट बहुत सारी चीजें वैर उसका पार्ट है फॉर उसका पार्ट है इफ उसका पार्ट है उसका किसका जाओस्क्रिप्ट का एल्स पार्ट है जाओ का वाइल्ड पार्ट है फंक्शन पार्ट है अरे पार्ट है तो भैया फिर क्या पार्ट नहीं है <laughs> आओ चलो देख लेते हैं एक बार में <laughs> क्या पार्ट नहीं है विंडो सर्च करो कॉन्सोल कैसे ओपन हो जाएगा विंडो सर्च करो और एंटर मार दो ये विंडो आया है ये वो फीचर्स हैं जो तुम्हें ब्राउजर के द्वारा मिलते हैं राइट दिस आर नॉट दिप्ट एलर्ट ए टॉप ब्लर बी टू ए कैशेसर टर्म ऑफ थिंग्स कुछ जिनको तुम जानते हो उनसे मैं मिला देता हूँ तुम्हें तो जल्दी जल्दी क्लियर इंटरवल मे भी तुमने कभी यूज़ किया हो क्लियर टाइम आउट मैंने काफ़ी यूज़ किया है एंड मे बी कुछ चीज़ें और जैसे कि टरर डॉक्यूमेंट हैवीली यूज़ करते हैं हम लोग फैच यूज़ करते हैं दिस इज दिस इज गिवन बाय ब्राउजर ठीक है एंड uh, हम लोग यूज़ करते हैं टर कुछ और ढूंढ न्यू जल्दी लोकल स्टोरेज यस हम लोग यूज़ करते हैं और भी चीज़ें यहाँ पे यू कैन सी राइट दे आर आर टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ थिंग्स और ये सब वही हैं जो हमें ब्राउजर के द्वारा मिलती हैं Uh, जैसे कि पैरेंट यूज करते हैं कई बार ठीक है हम लोग प्रिंट यूज़ करते हैं हम लोग यूज uh, करते हैं राइट सो थिंग्स माई फ्रेंड जो कि गिवन बाय क्या है ब्राउजर है और वो काय के अंदर है सारी चीजें वो सारी चीजें जो ब्राउजर दे रहा है वो सब काय के अंदर रखी है विंडो के अंदर तुम समझ गए राइट right? तो वेरिएबल खुद को विंडो में ऐड करता है और लेट और कौन ऐड नहीं करता है ओ अच्छे से समझ आए इस लाइन का मतलब मैं मैं वादा कर सकता हूं ब्रो मतलब मैं क्या मेरे, मेरे मुझे पता है कि मेरा एक एक एक्सप्लेनेशन काफी टाइम लेता है बट मेरा यह भी वादा है कि उसके बाद मेरे कभी स्टूडेंट को उसे वापस पढ़ना नहीं पड़ता तो ठीक है चलेगा यार हर प्रकार की ऑडियंस है मार्केट में कुछ क्विक चाहते हैं कुछ थौरो चाहते हैं मैं थौरो वालों में से हूं मैं चाहता हूं कि मुझे एक बार पढ़ना पड़े और दूसरी बार कभी नहीं दैट सेव्स माई टाइम एंड वो मुझे ग्रोथ ज्यादा बेहतर देता है लेट्स गो सो टू द विंडो ऑब्जेक्ट अच्छा जी चलो भैया जरा करके बता दो एक बार ओके ए की वैल्यू बोलो ए की वैल्यू ट्वेल्व होगी वेरिएबल बन गया और लेट भी बना लेते हैं बी की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू भी ट्वेल्व है और चेक करें विंडो में क्या ऐड हुआ है

दिख रहा है क्या नहीं बट अगर मैं लेट को भी वेर बना दूं, तो फिर बी भी दिखेगा Open this, A, B. Can you see? क्या तुम समझ पा रहे हो क्या हो रहा है ऐसी कहानी है दोस्त राइट right. तो अब हमें यह पता है कि वेरिएबल और लेट और कॉन्स्ट में क्या फर्क है राइट आई बिलीव तुम्हें अब यह बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा द डिफरेंस एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है

ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर ही इंक्लूड होता है विंडो ऑब्जेक्ट तो इट्स मोर लाइक सबसे पहले API, तीन हैं, window, stack, memory, जिसके अंदर जो है यूज करने के लिए एंड uh, वो सारे फीचर्स कौन है अलर्ट प्रॉम्प्ट वगैरह वगैरह राइट इट्स मोर लाइक दैट अब आते हैं जरा स्टैक पे स्टैक क्या होता है साहब स्टैक ये होता है अब सुनो ठीक है स्टैक मतलब कौन सी चीज कैसे चलेगी मैं समझा रहा हूं तुमने कहा ए चलाओ बी चलाओ सी चलाओ डी चलाओ और ई e चलाओ सबसे पहले ए एड होता है ठीक है ये एक छोटा सा ब्लॉक हो गया इसको नाम दे दो ए उसके बाद बी एड होगा ऐसे ही ठीक है ये हो गया बी फिर सी एड होगा फिर डी एड होगा और लास्ट में ई e ऐड होगा क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो हा या ना उसके बाद सबसे पहले ए खत्म हुआ बी खत्म हुआ सी डी ई राइट तो जिस ऑर्डर में लोग आते हैं उसी ऑर्डर में बाहर निकलते हैं तो स्टैक क्या है ये जो तुम देख रहे हो किस ऑर्डर में काम कंप्लीट होंगे ये पूरी चीज को हम स्टैक कहते हैं आने वाले टाइम में हम फंक्शन को डेप्थ में जाएंगे तब हमें हम समझ आएगा कि स्टैक्स कैसे बनते हैं स्टैक्स को कैसे यूज किया जाता है एंड यूल you'll, you'll मैं थोड़ा ऊपर से चीजों को दिखा रहा हूँ वेरिएबल्स या डेटा हम बनाते हैं, हैं उन्हें स्टोर कहीं तो करना पड़ता है करना पड़ता है इसको जितने भी वेरिएबल्स कहने की जगह से आम, जितना भी डेटा आपके प्रोग्राम में होता है और इंटरमीडिएट डेटा जो होता है उन्हें कहीं तो स्टोर करना पड़ता है उसके लिए होता है हीप मेमोरी ठीक है मैं समझाता हूं चलो आओ एक कैलकुलेशन करते हैं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स तुम इसका आंसर क्या दोगे छह पांच ग्यारह चार पंद्रह तीन अट्ठारह दो बीस एक इक्कीस तुम इसका आंसर क्या दोगे इक्कीस अब कंप्यूटर इसका आंसर कैसे देगा वो देखो मजा आएगा तुम्हें पक्का मजा आएगा देखो क्या कंप्यूटर एक बार में सारा कैलकुलेट कर देगा नहीं जैसे हम कहते हैं वैसे कंप्यूटर भी करेगा One plus two, इसका आंसर क्या आया कंप्यूटर बोल रहा है इसका आंसर क्या आया थ्री तो कंप्यूटर थ्री यहां रखेगा ठीक है इसमें क्या जोड़ेगा थ्री इसका आंसर क्या आया सिक्स तो कंप्यूटर सिक्स यहां रखेगा मुझे बताओ क्या ये सिक्स फाइनल आंसर है नहीं भैया ये फाइनल आंसर नहीं अभी तो और भी जोड़ना है हाँ तो कंप्यूटर से स्टोर कहां कर रहा है कहां कर रहा है

क्या बात कर रहे हो हाँ। और फाइनल आंशर? फाइनल आंसर प्रिंट होते हुए दिख जाएगा इट ओके ओके ठीक है समझ गया। समझ गया गया ना तो हमने अभी तक जो देख लिए हैं हरामजादे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड लेकिन बड़े हरामजादे टॉपिक्स हैं दोस्तों ठीक है um, फिर अब जब अब हो ही रही है ऐसी बातें फालतू

खुद का कैसे समझाएं खुद का एक इमेजिनरी कंटेनर बना लेगा इमेजिनरी कंटेनर मैं समझाऊंगा भी समझाऊंगा सब समझाऊंगा बस देखो अभी कंटेनर बना लेगा जिसमें इसको बंद करो पहले तो ठीक है बना लेगा जिसमें उसकी तीन चीजें रहेंगी तीन चीजें होंगी स्क्रीन देखो पहली पहली जो चीज होगी उस कंटेनर की दैट इज वेरिएबल्स ठीक है उसमें नंबर टू जो चीज होगी उसके खुद के कंटेनर में दैट वुड बी उसके उसके अंदर फंक्शंस जितने बिल्ट है ठीक है फंक्शन इन साइड इन साइड दैट पैरेंट फंक्शन मैं समझाऊंगा समझाऊंगा अभी देखो पहले बस एंड तीसरा है लेक्सिकल इन्वॉमेंट ऑफ दैट फंक्शन काफी डिफिकल्ट लग रहा है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्त पर यही तुम में और तुम्हारे दोस्त में फर्क भी है याद रखना तुम में और तुम्हारे दोस्त में फर्क कितना है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स का लेक्सिकल इनवॉमेंट का लेक्स किसे कहते हैं ये समझने का हॉइस्टिंग कहते हैं तुम्हारे दोस्त और तुम में कितना फर्क है इजी आता है बेसिक आता है एडवांस जानता हूं पूरा जानता हूं मैं तो याद रखना ये फर्क ही तुम में और तुम्हारे दोस्त में फर्क क्रिएट करेगा सीखना ही है छोड़ेंगे नहीं लेट्स गो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स मतलब जब भी हम फंक्शन चलाएंगे फंक्शन अपना एक खुद का एक इमेजनरी कंटेनर बना लेगा जिसमें उसकी तीन चीजें होंगी वेरिएबल्स दैट वेरिएबल फंक्शन ये जो कंटेनर है इमेजनरी इसे ही हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स कहते हैं मैं आपसे एक चीज का वादा कर सकता हूं मैं श्योर तो नहीं हूं लेकिन काफी हद तक श्योर हूं इससे इजी रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगा पूरे इंटरनेट पे आई आई कैन कैन प्रॉमिस यू दैट अभी आप पूरा समझो एग्जीक्यूशन में क्या समझा रहा हूं उसके बाद मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं कि इससे इजी रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगा एक्चुअली मुझे एक छोटी सी एलर्जी हो रही है इस वक्त मैंने अभी अभी दवाई खाई है आ, उससे क्या होता है कि मुझे को बहुत ज्यादा यू you नो know, इचिंग होती है बॉडी में तो थोड़ा सा मेरे को अभी मैं अनकंफर्टेबल हूँ हल्का सा बट यार बस पांच दस मिनट में आल बी रियली कंफर्टेबल तब तक पढ़ेंगे अपन हो जाएगा थोड़ा ठीक तो इग्नोर करना इफ आई एम इधर उधर मैं थोड़ा खुजली कर रहा हूं इग्नोर तो मारना प्लीज ठीक है लेट्स गो तो फटाफट कुछ समझा रहा हूँ अब स्क्रीन देखो लेट्स गो ये डब्बा दिख रहे हैं मैंने यहां पे एक फंक्शन चलाया ए बी सी डी चला लिया फंक्शन फंक्शन चलाते ही साथ आज से अपने दिमाग में ये डालो फंक्शन चलते ही साथ पहली चीज क्या बनती है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है एक इमेजिनरी 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 डब्बा डब्बा सर कैसा imaginary, imaginary मतलब सोच ले बेटा मन में सोच ले एक डब्बा सोच ले अच्छा ओके ठीक है तो इसमें क्या क्या चीजें होती है तीन होती हैं कौन सी वेरिएबल्स काय के वेरिएबल्स जो इस फंक्शन के अंदर तुमने बनाए थे बनते हैं क्या अरे यार फिर तुमने फंक्शन ही नहीं पढ़ा फिर तुम कैसे समझ रहे ठीक है चलो आता है अपन को मान लेते हैं तो जितने वेरिएबल्स तुमने बनाए थे फंक्शन के अंदर वो सब इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स में होते हैं पहली चीज और क्या होता है इसमें दो और चीजें होती हैं कौन सी ये वाली अगर आपने इस फंक्शन के अंदर और फंक्शन बनाए थे तो वो वहां तो वो भी अवेलेबल रहेंगे ठीक है ठीक है सर तीसरी क्या है लेक्सिकल इन्वॉमेंट सर ये क्या ये अगला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है पर फिर भी सर ये है क्या आ, ये बताता है कि आप किन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं किन को नहीं सर मैं समझा नहीं समझाऊंगा ना चलें लेट्स गो फटाफट फड़ देखो फंक्शन बन गया ए बी सी डी सुनना मेरी बात हाँ इधर साथ रुकोगे तुम मेरे मैं अकेले यहां पर पढ़ने नहीं आया हूं तुम मेरे साथ हो ठीक है लेट्स गो ए की वैल्यू फंक्शन डी ई एफ ये फंक्शन बन गया मैंने एक और बना लिया लेट्स से यहां पे कुछ कोड लिख दिया आई डोंट नो मैंने क्या कोड लिखा है कुछ लिख दिया डी ए फंक्शन बना लिया ठीक है और और नहीं चलो मैं एक और बना लेता हूं बी बना लेता हूं ठीक है चलें तो आई बिलीव अब हमें आगे बढ़ना चाहिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट समझने के लिए इसकी विंडो बनाओ फटाफट और मैंने यहां पे मान लेते हैं एबीसीडी को कॉल कर दिया एबीसीडी ये हुआ कॉल ठीक है अब क्या होगा वो रिप्रेजेंटेशन समझो यहां पे एक डब्बा बन जाएगा ये बन गया डब्बा इसको मूव कर लो मूव इट लोवे डब्बा बन गया अब डब्बे डब्बा बनने के तुरंत बाद क्या करना है ये ए, इस डब्बे का नाम क्या है एबीसीडी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्सट एबीसीडीसी मतलब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स ठीक है तो एबीसीडी अब एबीसीडी का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्सट बन गया डब्बा सर इस डब्बे में क्या होगा ए होगा क्यों सर ए क्यों होगा क्योंकि ए उस फंक्शन के अंदर बना है अच्छा और क्या होगा सर डीएफ होगा सर डीएफ क्यों होगा क्योंकि वो डीएफ इस फंक्शन के अंदर बना है सर तो आप ये कह रहे हो कि जो भी अंदर चीजें बनेंगी वो इसके अंदर होंगी। हाँ। और क्या होगा सर और होगा इसका खुद का लेक्सिकल सर ये क्या है ये ये बताता है कि ये फंक्शन किन्हे एक्सेस कर सकता और किन्हीं नहीं सर थोड़ा मतलब बताओ तो कैसे अगर इस फंक्शन में मैंने कहीं भी बी यूज किया क्या यूज किया बी कहा है वो यहां है तो वो नहीं चलेगा हैं? हां नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा अब वो क्यों नहीं चलेगा वो सुनो फंक्शन अपने अंदर की बॉडी को यूज कर सकता है एफ को यूज कर सकता है पर किसी और फंक्शन के अंदर के एलिमेंट को यूज नहीं कर सकता डेमो दे रहा हूं वैर जो बनता है उसका स्कोप कहां तक होता है फंक्शन तक तो इस वेर का स्कोप कहां तक होगा इस फंक्शन तक तो क्या आप इस वेर को यहां यूज कर सकते हो नहीं सर पता कैसे चलता है वही पता कैसे चलता है तो लेक्सिकल इन्वॉलमेंट है दादा वही तो बता रहा है कि आप उसे यूज नहीं कर सकते ओके तो आपके इसमें ए था डीई एफ था और लेक्सिकल इन्वॉलमेंट था हां और इसे हम पूरी चीज को क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऐसा है हाँ ऐसा है बढ़िया है यार <laughs> है ये तो बढ़िया है मतलब मेरे हिसाब से तो लेक्सिकल इन्वोवेंट जो है ये लेक्सिकल इन्वोवेंट आपको ये बताता है कि आपका फंक्शन क्या एक्सेस कर सकता है क्या नहीं समझ रहे हो ना मेरी बात को क्या एक्सेस किया जा सकता है और क्या नहीं ठीक है सर आपने कह दिया तो सही कहा होगा ठीक है भाई चलो तो अब हमें यह समझ आ गया कि भाई साहब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की डेफिनेशन लिख दू तुम्हारे लिए चलो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की डेफिनेशन लिख देता हूं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज अ कंटेनर इज अ कंटेनर वेयर द फंक्शन इज फंक्शन कोड इज एग्जीक्यूटेड ठीक है एंड इट इज ऑलवेज क्रिएटेड when whenever a function is called जब भी फंक्शन कॉल होता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट बन जाता है इट कंटेन्स थ्री थिंग्स दे आर वेरिएबल्स फंक्शन एंड लेक्सिकल इन्वॉमेंट ऑफ दैट फंक्शन तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स अब चलते हैं जरा लेक्सिकल इन्वॉलमेंट समझते हैं सर अभी तो आपने बताया लेक्सिकल इन्वोमेंट क्या है फिर से देखना है क्या आ, बस तुम्हें ऊपर ऊपर से नहीं थोड़ा सा थोड़ी सी कुछ चीजें बता दे रहा हूं देख लो लेक्सिकल लेक्सिकल इन्वोमेंट होता है एक एक कह सकते हो चार्ट जिसमें यह लिखा होता है कि आपका पर्टिकुलर फंक्शन किन चीजों को एक्सेस कर सकता है तो एक्सेस कर सकता है एंड किनको किनको नहीं इसको हम टेक्निकली स्कोप भी बोलते हैं तो इसलिए आपको वहां पे डेफिनेशन में कई बार यह लिखा हुआ मिलेगा इट कंटेन्स इट स्कोप एंड स्कोप चेन स्कोप खुद का स्कोप फंक्शन का और उससे रिलेटेड और भी जो उसके पेरेंट फंक्शन थे उनका डेटा एक्सेस कर सकता तो रिलेटेड स्कोप चेन अगर दस बारह फंक्शन अंदर, अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक तो सबसे अंदर वाला फंक्शन सबसे बाहर वाले की भी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है ये कैसे पता चलेगा यही स्कोप चेन है तो वो बेसिकली वो रखता है इसका हिसाब कि मैं किस किस को एक्सेस कर सकता हूं मैं अपने पेरेंट तक चीजें एक्सेस कर सकता हूं राइट right? मैं अपने चिल्ड्रन की चीजें एक्सेस नहीं कर पाऊंगा मैं अपने पेरेंट्स तक की चीज एक्सेस कर सकता हूं तो ऐसा एस, हिसाब रहता है ठीक है तो ये इसीलिए कहते हैं कि भाई किन को नहीं मतलब की मतलब की इट होल्ड एंड स्कोप ठीक है सब दैट इट तो अगर अपन समझें हमारे पास एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट है वी नो बोथ ऑफ दीजिंग में पढ़ा चुका हूं अब हमने यहां तक कवर कर लिया है यहां से यहां तक बढ़िया लेट्स मूव फॉरवर्ड हाउ टू कॉपी रेफरेंस वैल्यूज अगर आपने पिछली बार एक वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें यहाँ पे अगर याद हो तो मैंने ये बताया था कि आपके पास अगर एक अरे है वन टू थ्री फोर फाइव और आपने उसे कॉपी किया तो ये कॉपी नहीं हुआ ये रेफरेंस हुआ है और अगर आप एक वैल्यू हटाओगे दिखाता हूं तो हमें ऐसा लगता है बी से हट गई जो कि हट गई फाइव हट चुका है बी से राइट पर वो एक्चुअली ए से बी हट गया है तो मैंने आपको ये बोला था कि इसे आप कैसे ठीक करते हो और वो अगला टॉपिक है हाउ टू कॉपी रेफरेंस वैल्यूज और कैसे कॉपी करते हैं देखिए विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर ठीक है अरे वन टू थ्री फोर फाइव एंड वेयर बी और मैंने यार कहा डॉट 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 ए क्या आप देख पा रहे हो ए की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव है बी की वैल्यू डॉट 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 ए है सर मैं घंटा नहीं समझा मैं समझा रहा हूं सुनो कॉपी करना है ना तो कैसे कॉपी करना है A को A क्या है अरे है अरे में क्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले B को एक अरे सर बन गया और फिर लिख दो डॉट 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 ए सर मतलब तीन क्यों चार लगा लू चार नहीं लगा सकते क्यों बेटा ये तीन जो लिखे डॉट ये एक्चुअली कुछ होता है जे में मैंने फर्जी नहीं लगा दिया कि एक आध काम ज्यादा कर लो ऐसा नहीं है ये तीन डॉट्स कहलाते हैं स्प्रेड ऑपरेटर क्या मतलब होता है इसका इसका मतलब होता है कि इस स्प्रेड ऑपरेटर के बाद जो भी लिखा है क्या लिखा है ए उसकी सारी वैल्यूज को कॉपी करो वर्ड कॉपी कॉपी करो और वहां रख दो जहां पे स्प्रेड ऑपरेटर लिखा है इसकी जगह पे रख दो तो इसीलिए बी में भी क्या जाता है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है सर तो मतलब ये चलेगा हाँ करके बताऊं करके बता देता तो. हूं मैंने बी से एक वैल्यू हटा दी बी से वैल्यू हटा दी तो बी में होना चाहिए वन टू थ्री फोर और ए में होना चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव और चेक करें बी में है वन टू थ्री फोर और ए में है वन टू थ्री फोर फाइव परफेक्ट राइट तो अब हमें यह समझ आ गया कि अरे को कॉपी कैसे करते हैं ए की वैल्यू हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और बी की वैल्यू हो गई डॉट 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 ए हम्म hmm, ठीक है सर ठीक है बढ़िया तो ये था कॉपी करने का तरीका तो क्या हम ऑब्जेक्ट्स को भी ही कॉपी कर सकते हैं हाँ करके बताइए बिल्कुल बता दे रहा हूं मेरा एक छोटा सा सपना है तुम लोग अगर मेरी हेल्प कर पाओ तो करना इस साल मैं अपनी मम्मी को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूं दैट इज अगर हो पाए तो मैंने उनसे कहा था कि मैं इस बार काफी अच्छा काम करूंगा एंड uh, इतने साल हो गए यार पढ़ते पढ़ाते एंड आई ब्रिंग अ कार दिस ईयर यू नो कई बार ऐसा लगता है कि आप यार ये कार खरीद लेगा देखो मैं एक बात बताऊं यार हर कोई चाहता है अमीर बने हर कोई चाहता है वो यू you नो know, uh, अच्छी लाइफ जिए मैं नहीं मानता कि हर किसी को ये सब मिलना चाहिए बट मैं ये मानता हूँ कि जो बंदा इसके लिए काम करे उसे ये मिलना चाहिए मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छा काम कर रहा हूँ बट मैंने हमेशा अपने बिजनेस के बारे में सोचा शेरियंस के बारे में सोचा स्टूडेंट्स के बारे में सोचा मैं अपने घर में कभी उतना पैसा लेके गया नहीं जो बात है ठीक है मैंने पूरा पैसा हमेशा शेरियंस में वापस लगा दिया मेरे लोगों को फ़ायदा हो जाए दैट बट अब लगता है कि थोड़ा सा मुझे अब अपने पेरेंट्स का की तरफ भी देखना पड़ेगा मुझे अब थोड़ा सा अपनी लाइफ की तरफ भी देखना पड़ेगा तो मेरा एक छोटा सा सपना है तुम लोग मैं तुमसे कार नहीं मांग रहा हूँ <laughs> मेरा एक छोटा सा सपना है दैट इज इस साल के एंड पे वेब में लोग मुझे जाने साल के एंड पे जब इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाले टैग क्रिएटर जिसने आपकी लाइफ में कुछ ऐड किया तो लोग मुझे भी टैग करें दैट इज वॉट आई वॉन्ट आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि अभी मैं थोड़ा सा दूर हूँ उससे बट आई बिलीव वन डे ऐसा होगा एंड uh, अच्छा और एक चीज और इफ यू टू कनेक्ट विद मी मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी मेरे भाई दिस इज माई इंस्टाग्राम आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो मुझे बहुत, 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 बहुत खुशी होगी ठीक है मुझे, uh, मुझे कॉपी करना है तो मैं कैसे करूँगा कॉपी ओबीजे और वहां पर अरे था तो मैंने अरे वाले ब्राकेट बनाए थे यहाँ पे ऑब्जेक्ट थे तो मैं ऑब्जेक्ट वाला ब्रैकेट बनाऊंगा डॉट 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 ओ अच्छा फॉर्मेट सेम है हाँ फॉर्मेट सेम है तो ये कॉपी हो गया कॉपी हो गया चेक करा चेक करा देता हूँ ओ बी जे कॉपी ओ ओ कॉपी ओ ठीक है सर so, इसे चेंज करके बताओ कर देता हूँ कॉपी ओ बी जे डॉट नेम की वैल्यू हो गई हर्षिता हर हर्षिता मैं नहीं जानता हर्षिता को कौन है लेकिन बस वो हर्ष हर्षिता हर्षिका हर्षिता का बॉयफ्रेंड हर्षिका का बॉयफ्रेंड हर्ष की गर्लफ्रेंड राइट ऐसा कॉपी सो कॉपी ओ बीजे अगर हम देखें तो इस वक्त इसकी वैल्यू अब चेंज होकर क्या हो चुकी है हर्षिता पर अभी भी ओ बीजे जो है वो अभी भी क्या है हर्ष राइट तो दिस इज यू कॉपी कॉपी रियल आप इस तरीके से करते हैं ठीक है याद रखना तो अब हमें जो समझ आ चुका है दैट इज कॉपी रेफरेंस वैल्यूज अब चलते हैं सारा कंडीशनल्स की तरफ ठीक है तो एग्जैक्टली exactly, कंडीशनल्स मैं पढ़ा चुका हूं और अब मैं आऊंगा ट्रुथी इन फॉल्सी पे बात सुनो मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि अगर आप इफ के अंदर माइनस वन लिख दोगे इट विल वर्क अब सवाल है ऐसा कैसे जेस में कुछ भी लिखो कुछ भी लिखो वो मेनली दो प्रकार में दो में से एक प्रकार से होती है दो वो मेनली दो प्रकार में से किसी एक प्रकार को बिलोंग करती है ठीक है जेस में कुछ भी लिखो तुम वो मिली दो प्रकार में से किसी एक प्रकार को बिलोंग करती है वो दो प्रकार क्या है अगर अभी बहुत मन नहीं कर रहा वीडियो रोक दो जाओ मजे करो वापस लौट के आओ बस इतना याद रखना अपने मन में खुद को ये बताना मैं कंप्लीट करूंगा जैसे मैं अपनी जिम कर रहा हूँ आजकल डाइट फॉलो कर रहा हूँ तो मैं अपने को क्या बताता हूँ मैं कंप्लीट करूंगा बस आज नहीं मन कर रहा अभी नहीं कर रहा कोई बात नहीं आधे घंटे like तो जा so, कुछ भी लिखो वो मेनली दो प्रकार में से किसी एक प्रकार को बिलोंग करती है मैं समझाता हूं हमने लिख दिया हर्ष अब ना ये ट्रू है ना ये फॉल्स है पर फिर भी ये दो में से एक को बिलोंग करेगी या तो ट्रुथी या तो फॉल्सी ये ट्रुथी क्या होता है ट्रू होता है ट्रुथी क्या ये अभी आ रहा हूं बताऊंगा ट्रुथी या फिर फॉल्सी सर ये ट्रुथी फॉल्सी ट्रू फॉल्स अलग है क्या हाँ ये अलग है हाँ अच्छा ये मैंने 2.7 लिख दिया ये क्या है ये दो में से किसी एक प्रकार को बिलोंग करेगी ट्रुथी या फॉल्सी अरे वो तो समझ गया कौन से प्रकार को बिलोंग करती है वो बताओ अब सुनो वो वो क्या है फॉल्सी वैल्यूज ये हैं अगर तुम को याद रख पाओगे तो ट्रुति हमेशा बता दोगे फॉल्स ये, ये क्या है ये सारी वो वैल्यूज हैं जो फॉल्स वैल्यूज कहलाती हैं मतलब इनको कन्वर्ट करोगे तो हमेशा फॉल्स आएगा मतलब ओ, ये भी नहीं समझे कोई बात नहीं देखो अभी और इनके अलावा सारी वैल्यूज क्या होती हैं वैल्यूज अब देखो समझो मैंने इफ लिख दिया इफ लिख दिया सिर्फ सेवन लिख दिया अब ना ये सेवन ट्रू है ना ये फॉल्स है तो क्या करें तो ये चलेगा हां चलेगा चलेगा हां चलेगा ना और कौन सा चलेगा इफ चलेगा एल्फ चलेगा इफ चलेगा क्यों मैं बता रहा हूं कि क्यों देखना हे प्रिंट होगा क्या प्रिंट होगा हे और हेलो प्रिंट नहीं होगा नहीं होगा कैसे श्योर हो आप मैं दो श्योर हूं क्यों हाँ वो सुनो ना मैंने तुम्हें क्या बताया पॉलिसी वैल्यूज क्या होती है? जीरो, फॉल्स, नल, डौक्य। डौक्य। है ये ये वो वैल्यूज हैं जो कन्वर्ट होती हैं फॉल्स में मतलब अगर मैं यहां जीरो लिख देता तो जीरो कन्वर्ट कैमे हो जाता फॉल्स में अच्छा ओके नाइस तो आपने यहां पर सेवन लिखा है हाँ तो सेवन ही होती है हाँ कैसे पता क्योंकि वो इनमें से बिलोंग नहीं करती हम्म अच्छा माइनस वन लिख दें तो ट्रुती है ये ट्रू ट्रू में कन्वर्ट होगी हाँ कैसे पता क्योंकि वो इनमें से बिलोंग नहीं करती तो मतलब उनमें से बिलोंग करेगी तो फॉल्स में कन्वर्ट होगी हाँ श्योर हो आप दो सौ परसेंट श्योर चेक कराओ चेक कर लो क्या प्रिंट हो रहा है हे। और हे चलता जब आप ट्रू होते राइट और जीरो करके बताओ ये लो अब क्या चलेगा हेलो चलेगा हाँ श्योर sure आप दो सौ परसेंट श्योर डोप और मैं अगर जैसे यहां पे एनए एन लिख दूं ऐसा हाँ बस एनएन ऐसा लिखा होना चाहिए जिसका मतलब होता है अ नंबर तो ये आपको फॉल चलाएगा हाँ पक्का हो दो सौ परसेंट सी हेलो आ रहा है सी ओके और ये डॉक्यूमेंट डॉट ऑल क्या है यार ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि फॉलसी में गिनी जाती है अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही आर्टिकल्स आए थे इसके तो ये भी फॉलसी में गिनी जाती है पहले में से फॉल्सी पता नहीं लोग क्यों नहीं लिखते थे बट डॉक्यूमेंट डॉट ऑल अब फॉलसी में लिखी फॉलसी में गिनी जाती है ये इसका आर्टिकल अब आ चुके हैं तो आप चेक कर सकते हो कि वो भी फॉलसी है और सर जैसे मैं हर्ष लिख दू तो एक सिंपल लॉजिक है क्या हर्ष इसमें से बिलोंग कर रहा है नहीं बात करता हम वोल ट्रुति वैल्यू है तो मतलब ये चलेगा ठीक है सर समझ गया बढ़िया ठीक है ट्रुथी फॉल्टी खत्म अब आओ अगले टॉपिक पे स्विच यार मैं बात मैं स्विच नहीं पढ़ाना चाहता कहीं पर ही नहीं होता बट फिर भी जिनको नहीं पता तो इट्स मोर लाइक फालतू में लोड मत लो यार इसको सीख के बट फिर भी देख लो स्विच केस वन यहाँ पे कोई केस ले लो वन ठीक है और ब्रेक कर लो ठीक है फिर और भी केसेस बना लो केस टू फिर उसके बाद ब्रेक कर लो और फिर लास्ट में डिफॉल्ट केस बना लो तो ये पता है मैं क्यों बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जिनको लगेगा कि शायद आता नहीं होगा इसलिए नहीं बना रहे <laughs> नहीं भाई आठ साल से जीएस लिख रहा हूँ और इतने डेप्थ पे चीजों को पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें सच में लगता है क्या कि मुझे स्विच केस नहीं आता होगा <laughs> नहीं ऐसा कुछ नहीं मुझे यूज नहीं पड़ता उसका कभी तो सोचता हूँ कि उन चीजों का जिनका यूज नहीं पड़ता उन्हें का को मतलब लोगों को रोड दो फालतू में पानी पी लूँ ठीक है आ रहा हूँ रुको अरे यार पानी पी लिया भाई साहब पानी पे पिए आप बढ़िया चलवाओ पढ़ाई करते हो तो अब पढ़ना फॉरिच वगैरह ठीक है लेट्स गो बड़ा आराम ज्यादा टॉपिक्स हैं फॉरिच फॉरन फॉर ऑफ डू वाइल फॉर ऑफ हटाओ हम कहीं यूज नहीं करते उसे फॉर फॉरिच यूज करते हैं फॉरन यूज, यूज करते हैं डू वाइल भी बहुत रेयरली बहुत बहुत रेयरली डू वाइल मिक्स वाइल विथ इफ बिकम्स डू वाइल ठीक है और बहुत कम केसेस होते हैं डू ऑइल के तो हटाऊंगा तो नहीं मैं एक बता दूंगा तो मैं सीखने की कोई जरूरत नहीं है मेनली फॉर ईच ऑफ इन क्योंकि तुम देख चुके हो तो फॉर ईच ऑफ इन फॉर इन भी मैक्स मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात बोल रहा हूं बस दाथ है। चलो आओ देखो फॉर ईच लूप ईच लूप क्या होता है ईच लूप सिर्फ अरे पे चलता है मतलब कि जब भी तुम्हारे पास एक अरे हो तब यूज में कौन आता है फॉर ईच लूप जब भी तुम्हारे पास सिर्फ अरे सिर्फ सिर्फ अरे हो तब तुम्हारे पास कौन यूज में कर सकते हो तुम लूज में कैसे ला सकते हो फॉर ईच लूप को कैसे ठीक है कुछ अपन ने यहां पे एलिमेंट्स बनाए अपन को एक एक एलिमेंट पे जाना है ठीक है और दो ऐड करके प्रिंट करना है अब देखो कैसे सबसे पहले अपने अरे का नाम लिखो ए डॉट फॉर ईच फंक्शन वैल्यू और अगर तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक रात को मैं लाइव कर रहा हूं कुछ ही दिन बाद उसमें क्वेश्चन शुरू कर दूंगा तो तुम लोग उसमें जुड़ सकते हो मेरे साथ रात को साढ़े दस बजे इस चैनल पे लाइव करता हूं मैं जवाब का तो अगर तुम और अच्छे से जाओ स्क्रिप्ट में लाइक like, क्वेश्चन पूछना चाहते हो ये सब सीखना चाहते हो मोस्ट मोस्ट वेलकम बहुत खुशी होगी आप लोग जुड़ोगे मुझसे टेन थर्टी एट नाइट ठीक है अब फर अब अब पता नहीं तुम मेरी वीडियो कब देख रहे हो अभी आजकल तो कर ही रहा हूँ तो लाइक यू कैन कनेक्ट विथ मी एट टेन थर्टी एट नाइट बढ़िया तो ए डॉट फॉर इच फंक्शन वेल हर बार एक एक वैल्यू का में आएगी वेल में और हम क्या कर सकते हैं उसे ऐड तो हम उसे ऐड करेंगे दो से तो इसको ऐसे पढ़ेंगे अरे के फॉर फॉर फॉरिच का हिंदी में क्या होता है हर एक के लिए अरे के हर एक के लिए फंक्शन चलाओ और सारी वैल्यू का में दो वैल पहली इंपॉर्टेंट बात ये वैल क्या है ये वैल एक वेरिएबल है वेरिएबल है हाँ सर एक बार फिर से okay. हो जाएगा थोड़ा मतलब ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है देखो ए डॉट फॉर फॉरिच लिखो ई कैपिटल होना चाहिए ठीक है क्यों लिख रहे हैं हम ये लूप करने के लिए कैसा मतलब पहली बार वन पे टू पे ट्वेंटी थ्री पे थर्टी फोर पे जब आपको हर एलिमेंट पे कुछ परफॉर्म करना हो अच्छा मतलब मुझे हर एलिमेंट पे दस दस ऐड करना है अच्छा अच्छा हर एलिमेंट में से दो दो माइनस करना है ओके समझ गया तब फिर क्या लगेगा लूप लगेगा ठीक है भैया आप ये कर सकते हो सॉल्व हाँ करके बताऊं करके बता दे रहा हूं ए इज अरे आप देख सकते हो ठीक है डॉट फॉरीच तो डॉट क्यों लगाया क्योंकि ऐसे ही लिखते हैं फॉरिज को अच्छा और ये कैपिटल क्यों है क्योंकि वो ऐसा ही होता है में ई कैपिटल होता है पर क्यों है जिसने बनाया उसने बाई कैपिटल रखा है पर क्यों रखा है क्योंकि कैमल केस फॉलो करते हैं अब ये क्या है छोड़ दे बस ई कैपिटल है ठीक है चलो इधर देखो फॉरीज के अंदर हमेशा क्या आता है फंक्शन पर मैंने एक जगह देखा था वहां पे तो ऐसा गोला कुछ आ रहा था तीर मीर बने थे वो भी फंक्शन उसको फंक्शन कहते हैं अच्छा हाँ चलो ठीक है फिर ये आ गया फंक्शन पर आपने फंक्शन का तो नाम ही नहीं दिया ये फंक्शन में तीसरा टाइप का फंक्शन है एनोनिमस फंक्शन हाँ अरे यार तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो तुम अभी बस पढ़ो इसे अभी सिर्फ पढ़ो ए डॉट ए डॉट फॉर ईच आदत डालो ऐसे लिखने की ठीक है बन गया ये फंक्शन है हां कहां फंक्शन है ये फंक्शन है इतना इतना ओके ये कब चलेगा हर एक मेंबर के लिए चलेगा ए आर ए के हर एक मेंबर के लिए हां वो मेबर काय में आएगा वो फंक्शन के अंदर है कहां यहां तो हम इसका नाम वेल रखना पड़ेगा नहीं तुम तो इसका नाम चाचा भी रख सकते हो तुम तो इसका नाम भैया भी रख सकते हो पर क्या हम इसका नाम भैया रखेंगे चाचा रखेंगे नहीं क्यों क्योंकि इट डजेंट मेक सेंस इसलिए आप इसका नाम वैल रख लो हो वैल क्या है वैल्यू समझ लो ना ओके समझ गया भैया कौन सा और ये वेल में क्या आएगा बताया तो एक एक मेंबर आएगा कैसे आएगा पहली बार वन आएगा और अंदर का कोड चलेगा फिर दूसरी बार टू आएगा अंदर का कोड चलेगा फिर ट्वेंटी थ्री आएगा अंदर का कोड चलेगा।, चलेगा ओके समझ गया हाँ अब अंदर के कोड में मैंने क्या लिख दिया इस वैल जो भी आई थी वैल्यू वो उसमें कितने जोड़ दो, दो जोड़ दो खत्म तो भैया ये मतलब बार बार चलेगा हाँ बार बार ये कौन सा लॉक करेगा क्या पिछली वैल्यू में दो ऐड करो और चेक करो पहली वैल्यू में दो ऐड होगा तो कितना होगा इसमें दो ऐड करोगे कितना होगा थ्री। इसमें दो ऐड करोगे कितना होगा चार चेक करो चार इसमें दो ऐड करोगे कितना होगा पच्चीस छत्तीस छ बिल्कुल सही चल रहा है ओके भैया समझ गया जी बिल्कुल तो फॉरिज खत्म होगा तो भैया एक चीज और बताइए Uh, कि जैसे मैंने ईच में दो दो ऐड करवाया था तो वो मेन अरे में चेंजेस हुए थे बिल्कुल नहीं और यही पढ़ा रहा हूं ईच कभी भी बाय डिफॉल्ट आपके अरे में चेंज नहीं करता नहीं करता वो आपको चेंजेस करके देता है अरे की इमेजिनरी इमेजिनरी नहीं कहूंगा अरे की टेम्पररी कॉपी पर जिसके वजह से अरे हमेशा अरे हमेशा सेम रहता है अरे हमेशा क्या रहता है सेम रहता है सर मैं समझा नहीं देखो समझा देता हूं पांच अगर मैंने यहां पे फौरीज किया वेल डन अगर मैंने ये किया

वन का कॉपी उठ था और उसमें दो जोड़े तुमने तो तीन हो गए पर क्या उस वन में वो रिफ्लेक्ट होगा नहीं क्यों क्योंकि उसका कॉपी आया था अच्छा भैया ओके समझ गया हाँ। तो फिर कैसे करेंगे जैसे अगर वो क्वेश्चन है तो इसमें इस तो कवर नहीं करूंगा मैं। में करूंगा कवर अलग से परेशान मत हो अभी बस पढ़ाई करो फॉरीज होता क्या है ठीक अब हमने फॉरीज पढ़ लिया है हम चलेंगे आप फॉरिन पे अभी फॉरिन क्या होता है ऑब्जेक्ट्स पर लूप करने के लिए होता है फॉर इन लूप। ऑब्जेक्ट पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं ऑब्जेक्ट क्या होता है हर्ष 24 फोर एंड वी कैन वी कैन टेक एज और मान लेते सिटी वन गोपाल तो ऑब्जेक्ट ये है इस पर लूप करने के लिए इस पे लूप करने के लिए क्या होता है फॉर इन लूप कैसे फॉर लिखा वेर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा कोई भी की चाचा भैया वेल जो लिखना लिख लो यूजली लोग की लिखते हैं वैर की इन अब ये इन क्या है इसीलिए हम इसे फॉर इन कहते हैं क्योंकि फॉर में फॉर के अंदर आप वैर की लिखने के बाद इन लिखते हो क्यों लिखते हैं ये इन इनके बाद ऑब्जेक्ट का नाम आता है पर इन क्यों लिखते हैं क्योंकि इसी को तो फॉर इन लूप बोलते हैं जिसने बनाया उसने यही बोला है कि भाई फॉर के बाद अंदर आप पहले वेरिएबल बनाइए फिर इन लिखिए अच्छा हाँ अच्छा भाई उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम आता है हाँ जी ऑब्जेक्ट का नाम क्या है वहां पढ़ो ना वो भी जे राइट तुम्हारी एनर्जी क्यों कम हो रही है यार देखो मैं रीड कर पा रहा हूं तुम्हें तुम्हारी एनर्जी क्यों कम हो रही है काफी बड़ा कर ली इसलिए इतना सब याद कैसे रहेगा इसलिए नोट्स क्यों बना, नोट्स बनाओ ना नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो तुम नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ अलग अलग हिस्सों में पढ़ो नोट्स बनाओ एक बार में क्यों पढ़ना है तुम्हें पूरा बनाओ बढ़िया से नोट्स यार क्या दिक्कत है फ्रेश होके आओ रोज पहले अपनी पुरानी पढ़ाई रिवाइज करो और आगे बढ़ो समझ रहे हो बात को एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा मेरे भाई ये नोट्स बनाओ बढ़िया ठीक है चलो वे की इन ऑब्जेक्ट बढ़िया अब क्या करें भैया अब तो सिंपल है कंसोल पे प्रिंट करके देखो की में क्या आ रहा है चेक करो नेम एज सिटी हाँ नेम आ गया एज आ गया सिटी आ गया पर भैया जे तो आया ही नहीं जे वो ऑब्जेक्ट में है क्या नहीं तो ऑब्जेक्ट में क्या ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है मेरे भाई ये पूरा ऑब्जेक्ट है अरे यार भैया आपने क... अरे यार आपने नेम एज सिटी लाए आप हर्ष चौबीस और भोपाल तो लाई नहीं पाए हाँ वो नहीं आता है यार भैया फालतू बातें मत करो अब आप मतलब नेम एज सिटी आया वो वो नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब रहा अरे भाई वो नहीं आता है तो कैसे लाएंगे ऐसे लाएंगे देखो थोड़ा सा दिमाग लाओगे तो जरूर सीख जाओगे देखो की की में क्या आता है इसके ये नेम एज सिटी अरे यार भैया फिर वही बात जे चाहिए जे ये कैसे आएगा यार ये कैसे आएगा ऐसे आएगा चलें ऑब्जेक्ट का नाम क्या है ओबीजे ओबीजे लिख दिया अरे वाले ब्रैकेट लगाओ और उसके अंदर की लिख जे क्या किया आपने जे 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 क्या किया क्या सुनो की में क्या आ रहा था इसके नाम आ रहे थे वो नाम ऑब्जेक्ट के अंदर ही है ना तो मैं क्या लिख सकता हूं ओबीजे और उसके अरे वाले ब्रैकेट में की लिख सकता हूं इससे क्या हो जाएगा इससे कन्वर्ट होगा काई में की कन्वर्ट हो जाएगी पहली बार में नेम में तो हम क्या कर रहे हैं हम ओबीजे के नेम को एक्सेस कर पा रहे हैं अच्छा हाँ अच्छा चलो देखो ओबीजे अरे वाला ब्रैकेट की तो अब हम एक्सेस कर पाएंगे हाँ। सी अरे यार अब लेकिन एक दिक्कत है कि अब साला जी नहीं आ रहा है तो दोनों प्रिंट कर लो ना तुम कैसे ऐसे की, की प्रिंट होगी कॉमा OBJ, तो इससे दोनों प्रिंट हो जाएंगे अरे दिमाग लगाओ ना यार की से क्या प्रिंट नेम। और OBJ की से क्या क्या प्रिंट प्रिंट होगा होगा नेम नेम और की की वैल्यू अरे हाँ हो तो रहा है नेम आर्श एज ट्वेंटी फोर सिटी भोपाल यार बढ़िया यार भैया बहुत बढ़िया हाँ जी ठीक है तो अब हमें क्या समझ आ गया फॉर इन लूप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना कुछ क्वेश्चन इंटरनेट पे ढूंढना मिल जाएंगे अब आ जाओ डू वाइल पे ये आपको सीखना बिल्कुल जरूरी नहीं है पर फिर भी देख लो ठीक है डू लिखा लास्ट में वाइल लिखा आप मान लेते हैं अपन ने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया ए की वैल्यू बारह वापस आ जाओ जब तक ये छोटा है पंद्रह से जो कि है तो आप यहां पर क्या कर लो पहली चीज पहली बार में चला लो आप हे और ए की वैल्यू प्लस प्लस कर दो इससे क्या होगा इससे ये होगा कि आप इसे चला पाओगे मैं दिखा देता हूं कैसे चलता है ये डू वाइल सबसे पहले डू चलता है सबसे पहले डू चलता है चाहे कंडीशन फिर भी डू पहले चलता है सबसे पहले क्या होगा हे। हे हो गया की वैल्यू तेरा हो गई बट अभी तेरह यूज नहीं होगी चेक होगा ठीक है फिर उसके बाद हे 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 जब तक क्या नहीं हो जाता पंद्रह से जब तक छोटा है तब तक हे प्रिंट होगा यहाँ पे तीन बार प्रिंट हुआ इसीलिए और अगर जैसे कि मैं यहाँ पर 120 कर दूं क्या 120 15 से छोटा है नहीं है फिर भी एक बार हे होगा। फिर भी भी एक एक बार बार प्रिंट प्रिंट होगा होगा तो ऐसे केसेस जिनमें आपको एटलीस्ट एक बार कुछ करना हो उसके बाद कंडीशन चेक करनी हो वहां पे डू वाइल लूप यूज हो सकता है बट अगेन मैं कहूंगा वाइल मिक्स डू विथ इफ बिकम्स डू वाइल इसलिए डूवाइल अलग से पढ़ना नहीं पड़ता ये मेरा बाकी आपकी मर्जी ठीक है ऐसा नहीं कह मतलब सकता हूं क्योंकि यार फिर वही आ जाएंगे लोग कुछ कॉमेंट में बुराई करने के भैया यार भैया भी नहीं बोलेंगे वो तो गाली देंगे सीधा के तू क्या जानेगा अभी कल एक कॉमेंट आया मेरे पास बहुत बेजती लगी बहुत बुरा लगा मुझे काफी बुरा लगा बोलता है क्या है कि कोडवे धैरी से सीखो जाके लबर लब से सीखो बात कैसे करते हैं भाई मैं उनके चैप्टर और बोला हाँ जाके सीखो उनसे तो यार मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा मेरे मन में कोई हेटरेट नहीं है किसी के लिए बट जब लोग आपको आपकी एज और आपकी चैप्टर नंबर टू को किसी के चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू से कंपेयर करते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है भाई वही वो मुन्ना भैया वाली बात सॉर्ट sort ऑफ of. बहुत बुरा लगता है जब आपके पास काबिलियत हो पर तो लोग उस काबिलियत को पहचाने ना भाई अगर मेरी ऑडियंस ने मेरा सपोर्ट कर दिया ना मेरे भाई और एक दिन मैं बड़ा बन गया तो इतना मैसेज तो मैं सबको फैलाऊंगा कि किसी छोटे क्रिएटर को जो इस वक्त छोटा है उसको बुरा मत बोलना भाई क्योंकि तुम्हें नहीं पता अरे यार तुम्हें नहीं पता कौन सा छोटा क्रिएटर कल बड़ा बनेगा छोटा क्यों है क्योंकि अभी अभी चैनल बनाया है छोटा ही होगा यूट्यूब यूट्यूब आपको सजेस्ट ही नहीं करता नए लोगों तक तो बड़ा कैसे हो जाएगा चैनल तो छोटा वो इसलिए क्योंकि लोगों तक नहीं पहुंच रहा उसका कंटेंट और हो सकता है उसका कंटेंट खराब हो कोई वो नहीं कह रहा हूं मैं काफी हद तक उसका कंटेंट खराब हो सकता है ये चांसेस हैं बट अगर अच्छा कंटेंट भी है तो एक दिन में थोड़ी वन मिलियन हो जाएगा यार तो तुम उसका मजाक इसलिए कैसे बना सकते हो कि कोई वन मिलियन नहीं है भाई सारे चैनल मेहनत फोट करते रहे इतने टाइम तक तभी तो फोर मिलियन पे पहुंचे ऐसा उनमें से कौन सा तीस खान था जो उनमें से क्या दुनिया का कोई भी बंदा हो, कौन सा तीस खान है भाई जो एक दिन में मिलियन पहुंच रहा हूं। कुछ कुछ थीम्स अलग होती हैं गेमिंग गेमिंग सेक्टर अलग है एंटरटेनमेंट अलग है वहां पर जल्दी फॉलोअर्स बढ़ते हैं पढ़ाई का सेक्टर बहुत अलग है भाई कोई पढ़ना नहीं चाहता लेकिन फिर भी आप चैनल जब बनाते हो तो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होती है तो यार काफी बुरा लगा मुझे तब कल से वो उतर ही नहीं पाया मन से मेरे आओ भाई चलो

Promises, कॉल बैक्स सेट टाइम आउट सेट इंटरवल एंड वेट ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे जरूर बताना हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे अलग से Async सिंक एस की वीडियो बनाऊंगा विथ एग्जाम्पल एंड एवरी थिंग वो आपको पढ़ाऊंगा ठीक है चलो जब भी कोई फंक्शन जब भी कोई ऐसा कोड जो बाद में चलता है आप लिखोगे क्योंकि वो कोड बाद में चलता है आपको आपको मतलब जेएस को जेएस को ये पता नहीं होता होता कि वो कंप्लीट हुआ है या नहीं मैं समझाऊंगा वो कंप्लीट हुआ या नहीं ऐसे कोड के कंप्लीशन पर जेएस को बताया जाता है कि वो कंप्लीट हो गया और आप उसे चला सकते हो यह बताने का काम कॉल बैक का है जाऊंगा देखो पिक्चर देखो तो फॉर एग्जाम्पल कहानी कुछ ऐसी है ये तुम्हारा एक बटन है तुम्हारे वेबसाइट पे बादल बहुत तेज गड़क रहे हैं बार। बारिश होने वाली है पता नहीं कल कविंदरण याद करके सब अब बहुत बुरा लग रहा है बहुत बेजती लग रही है चलो तो यहां एक बटन है गेट फोटो गेट अ फोटो फ्रॉम फेसबुक मुझे एक बात बताओ जब तुम इस बटन पर क्लिक करोगे तो क्या होगा मुझे बताओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस बटन पर क्लिक करने पे हमारा एक रिक्वेस्ट फेसबुक पे जाएगा ठीक है और फेसबुक से फोटो लेकर आएगा मुझे एक बात बताओ कितना टाइम लगेगा फेसबुक तक जाने में और फेसबुक से आने में कुछ टाइम लगेगा क्या तुम ये मानते हो या नहीं कुछ टाइम तो लगेगा राइट ऐसा कोड चलो मुझे लिख के दो कितना टाइम लगेगा एग्जैक्ट टाइम लिख के देना क्या तुम दे सकते हो नहीं क्या मैं दे सकता हूं टाइम लिख के नहीं दुनिया की कोई ताकत लिख के एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकती कि इतने टाइम में आ जाएगा या तो वो ज़्यादा टाइम बता देंगे या तो कम टाइम बता देंगे हो सकता है आपका इंटरनेट उतना तेज ना हो ज्यादा टाइम लग रहा हो हो सकता है आपका इंटरनेट तेज हो लेकिन फेसबुक का सर्वर बहुत स्लो है ज्यादा टाइम लग रहा है हो सकता है सब कुछ सही है और वो एक मिली सेकेंड में काम हो रहा है क्या आप मेरी बात समझ रहे हो ध्यान से सुनना जब भी आप ऐसा कोड लिखते हो जो कहीं पर जाके कुछ करेगा और फिर लेकर आएगा कई बार थर्ड पार्टी फर्स्ट पार्टी मैं सेकेंड पार्टी मेरा ऐप और थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी पर जाकर कुछ लेकर आएगा ऐसे कोड लिखने में दिक्कत क्या होती है कि हमें नहीं पता होता कब तक लौट के आएगा बहुत तेज बिजली कड़क रही है कब तक लौट के आएगा हमें नहीं पता होता क्या तो मेरी बात समझ रहे हो बारिश शुरू हो गई दोस्त हमें नहीं पता होता कब तक वापस लौट के आएगा और क्योंकि हमें पता नहीं होता कब तक लौट के आएगा कोई तो होना चाहिए जो बताएगा कि भाई साहब आ गए वापस चलाओ तो वो बताने का काम किसका है कॉल बैक फंक्शन कोई डेमो दे सकते हैं हाँ, दे सकता हूं ये समझ पता नहीं तुम्हें आएगा या नहीं बट फिर भी कुछ समझा रहा हूं गोलू देख लो एक बार मैं अपने स्टूडेंट्स को गोलू बोलता हूं शेयरियंस में तो इसलिए कभी कभार मुंह से गोलू निकल जाएगा तो ऑकवर्ड फील मत करना ठीक है चलो देखो ये क्या है सर 2000 क्या है सेट टाइम आउट का मतलब होता है कुछ देर बाद चलाओ ठीक है किसे इस फंक्शन को अच्छा अच्छा तो आप ये कह रहे हो कुछ देर बाद इस फंक्शन को चलाओ हाँ कितनी देर बाद 2000 2000 सेकंड बाद नहीं 2000 मिनट बाद नहीं 2000 घंटे बाद? बाद नहीं फिर 2000 मिली सेकंड बाद मतलब दो सेकंड मतलब दो सेकंड में दो हजार मिली होते हैं तो डायरेक्ट लिख दो ना यार भैया दो नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि ये वैल्यू मिली सेकेंड में होती है अच्छा तो अगर जैसे मुझे पांच सेकेंड लिखना हो और दस सेकेंड लिखना हो अच्छा जी तो दो हजार का मतलब दो सेकेंड हां दो सेकेंड बाद इसको चलाओ हाँ अच्छा क्या चला के करेंगे कंसोल कर देंगे ऐसा लिख देते हैं दो सेकेंड बाद चला ये भैया ये काय का, है, का है? मतलब सेट टाइम क्या है ये ये असिंक्रोनस जीएस है, है? कौन सा? सिंक आसिंक्रोनस आसिंक्रोनस। मतलब कुछ होता है सिंक्रोनस असिंक्रोनस दो चीजें हैं वी विल टॉक अबाउट दैट इन फ्यूचर कब अगले वीडियो, अगले वीडियो में अगले वीडियो में अगले वीडियो में नहीं जब तुम लोग बोलोगे तो मुझे नहीं पता जो मांगोगे आप लोग गेंद के अलावा <laughs> वो दे दूंगा ठीक है सो अब मतलब मजाक कर रहा ठीक है चलो दो सेकेंड बाद तो आओ चलो अपन चेक करें क्या हुआ मैंने एप्लीकेशन को रिलोड किया यहां से एक दो, दो सेकंड बाद चला राइट तो अगर अपन समझे तो ये कोड कितनी देर बाद चल रहा है दो सेकंड के बाद पर जेएस तो कोड को तुरंत चलाती है तो ये दो सेकंड बाद कैसे चल रहा है मतलब, सुनो Jays कहती है कि ओके okay, तुम्हें कितनी देर बाद चलना है दो सेकंड के बाद तो मेन लाइन रोड है बैठा है, बोलती है, बोलती है जब तुम हो जाना, तो बताना मुझे अब दो सेकंड के बाद ये कंप्लीट हो जाती है तो ये इसके पास जाती है और कहती है भाई हो गए ठीक है तो वो कहता है ठीक है बताओ क्या चलाना है क्या चलाऊं कंप्लीट हो गए बोले हाँ क्या चलाऊं

प्रेमिका से एक प्यार भरा लेटर लेकर आओ अब पंक्त भेज चुका है कब आएगा पता थोड़ी है बारिश होने लगी खड़ा हो गया पंछी बीच में पता थोड़ी पंछी कब आएगा गया हॉस्टल तक जाएगा घूम फिर के आएगा कब आएगा पता नहीं तुम समझ रहे हो बात को तो पंछी वहां से अब कब आएगा तुम्हें पता है तुम लिख के दे सकते हो भैया पचपन मिनट में आ जाएगा नहीं पता भाई पचपन मिनट में तो जोमैटो नहीं आ रहा पंछी कब आएगा अपन को थोड़ी पता है तो फिर भैया क्या करें तो पंछी को अपन एक कॉल बैक लेके भेज देते कि जाओ बज्जा तुम बढ़िया गर्लफ्रेंड के पास प्रेमिका के पास जाओ मेरे प्रेम के इस आ, क्या कहते हैं उसको लेटर को ये प्रेम के इस लेटर को जाओ पंची अपने मुंह में रख लो और जाओ ये ये मुंह में रख दिया और जाओ पंक्षी इस लेटर को लेके मेरी प्रेमिका के पास और उसका जवाब लेकर आओ ठीक है पंक् गया पंक्षी रास्ते में रुक गया पता नहीं भेंगड़ा वो अपनी प्रेमिका को मिलने लगा क्या हुआ लेकिन पंछी कब आएगा हमें नहीं पता अब जब भी आ जाए तो पंछी बता देगा हे hey, अम्बाक तो जब बता देगा हे hey, हेबाक तो फिर मैं क्या करूंगा तो फिर मैं ये फंक्शन चला दूंगा अच्छा भैया कुल मिला के आप ये कह रहे हो जो ऐसा कोड बाद में चलता है उसे अपन एक फंक्शन दे देते हैं हाँ के लिए कि जब वो कंप्लीट हो जाए तो ये फंक्शन चला देना हाँ ऐसा कोड जो बाद में चलता है उसे हम एक फंक्शन दे देते हैं दे देते हैं कि भैया जब कंप्लीट हो जाना कंप्लीट हो जाना तो ये फंक्शन चला देना और वो फंक्शन जो हम देते हैं वो फंक्शन जो हम देते हैं वो एक नॉर्मल फंक्शन ही होता है नॉर्मल फंक्शन ही होता है और उसे कहते हैं कॉल बैक फंक्शन ठीक है समझ गया समझ गया ना बढ़िया तो आई बिलीव तुम्हें यह सब समझ आ गया होगा कॉल बैक फंक्शन क्या होता है दिस इज द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट जो कि की है तो यार थोड़ा सा कम समझ आएगा बट आई बिलीव तुम्हें समझ फिर भी आ क्या होगा वॉट इज फर्स्ट क्लास फंक्शन अब ये क्या होता है भाई साहब फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन तुम्हारी नॉलेज को बढ़ाएगा में JS में एक कॉन्सेप्ट है यार ये यारसेप्ट की स्पेलिंग पहले ठीक करो नहीं तो कई लोग इसी पे मजाक उड़ाएंगे जे में कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है जिसका मतलब होता है कि आप uh, फंक्शंस को फंक्शंस को यूज कर सकते हो यूज <laughs> तो वही है वैसे ही कर सकते कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत है पूरा तो पढ़ो यूज कर सकते हो एज आ वैल्यू मैं, मैं समझा नहीं समझाऊंगा देखो एमएम क्या सेव कर रहे हैं ट्वेल्व क्या हम इसमें ट्रू सेव कर सकते हैं हाँ क्या मैं इसमें अनडिफाइंड सेव कर सकता हूं हाँ क्या मैं इसमें नल सेव कर सकता हूं हाँ क्या मैं इसमें ऑब्जेक्ट सेव कर सकता हूं हाँ क्या मैं इसमें अरे सेव कर सकता हूं हाँ क्या मैं इसमें फंक्शन सेव कर सकता हूं हाँ क्यों क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस हैं फर्स्ट क्लास हैं हां क्या मतलब इसका आप उन्हें एक नॉर्मल वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हो सर मैं नहीं समझा मैं समझा देता हूं आप उन्हें नॉर्मल वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हो जहां पर आप वेरिएबल्स में वैल्यू रख सकते हो वहां पर आप फंक्शन रख सकते हो आप फंक्शन को पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स भेजते हो वैल्यू भेजते हो बारह तेरह चौदह पंद्रह ए वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर की जगह आप फंक्शन भेज सकते हो सर मैं समझा नहीं समझाऊंगा देखो मैंने इसे चलाते वक्त बारह भेज दिया तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ सही है ना तो ये बारह गया बारह गया ए में समझे बट मैं बारह की जगह क्या भेज सकता हूँ फंक्शन लिटरली ये ये तुम्हें तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा तोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करेगा लेकिन फिर भी देखो फिर भी देखो ये हटाओगे तो ए बी सी डी ऐसा है ये लगाओगे तो ऐसा है तो ए में क्या आया फंक्शन आया और फंक्शन में क्या लिखा था सर दर्द होने लगेगा तुम्हें इससे लेकिन मेरे को मेरे को भी हुआ था पहली बार में बट फिर बाद में नहीं हुआ एक दो बार पढ़ा था फिर नहीं हुआ था तो देखो ए बी सी डी में मैंने क्या लिखा उसके अंदर फंक्शन और वो कहा गया ए में कई बार लोग इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट को इधर उधर कर देते हैं जिसके नहीं चलता लेकिन थोड़ा ढंग से लिखना और मैंने ए को चला दिया सर ये ए को चला क्यों दिया क्योंकि मैंने ए में क्या भेजा था अभी अभी फंक्शन भेजा है गोलू ट्व थोड़ी भेजा है ए में क्या आया फंक्शन और मैं वो फंक्शन चला सकता हूं अच्छा हाँ, तो क्या प्रिंट हो रहा है और ये हाँ, बिल्कुल सही और इसको आप हेलो कर सकते हो और आपको हेलो दिखेगा हाँ बिल्कुल जैसा तुम फील कर रहे हो वैसे मैंने फील किया था तो नेक्स्ट टाइम पिछली बार हम सॉरी पिछली बार पहली बार भाई साहब मुझे सेम चीज को ना दो दिन पढ़ना पड़ा था मतलब पहले दिन तो मेरा दिमाग सर दर्द होने लगा था बहुत तेज पढ़ते, पढ़ते पढ़ते इस चीज को फिर मैंने बंद कर दिया मैंने कहा तेल लेने जाओ हर रोज यही सोच के बंद करता था तेल लेने जाओ अब नहीं पढ़ना और हर सुबह वापस आता था इसी के पास बोलता था कि साहब पढ़ना तो यही पड़ेगा जे के बिना जिंदगी नहीं और आज देखो है ना तुम लोगों से खा रहा हूं तो ऐसा ही होता है तो मेरे प्यारे भाई फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या है कॉन्सेप्ट है क्या कॉन्सेप्ट है आप फंक्शंस को वेरिएबल्स की तरह वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हो अच्छा इस कॉन्सेप्ट को हम फर्स्ट क्लास फंक्शंस कहते हैं हाँ ठीक है भैया भैया ये सब याद कैसे रहेगा तुमने नोट्स के लिए बनाए प्रतिदिन पढ़ना है तुम्हें परेशान मत हो जयस जयस दो दिन में खत्म होती है क्या दो दिन में तुम दस लाख का पैकेज क्रैक करोगे तुम्हें सच में लगता है नहीं तो फिर तो फिर भैया कंप्लीट तो ये वीडियो अभी हो जा रही है तो मैंने तो सीख ली नहीं सीखी तुम भूल जाओगे जाओ उसे रिवाइज करो अगले पंद्रह दिन पच्चीस दिन तीस दिन फिर देखो तुम जादू होते हुए तुम अपनी क्लास में टॉप होगे समझ रहे हो ना ढंग से पढ़ना है चलो अब आ जाओ काई पे हाउ आर मेड बिहाइंड ज्यादा टॉपिक्स बचे नहीं है खत्म पे हम हाउ आर मेड बिहाइंड अरेज बनाते हो ये अरेज वैसे नहीं बनते जैसा तुम सोच रहे ये अरे है ही नहीं ये अरे नहीं है जावर्क्रिट में आओ देखो टाइप ऑफ ये ऑब्जेक्ट हाँ ये अरे नहीं है नहीं है तो ये क्या है ये ऑब्जेक्ट सर ये देखो फालतू बातें मत करो बहुत अब देखो सर दर्द हो रहा है सर वैसे ही और ये बकवास मत करो आप मेरे सामने ये अरे है मेरे भाई ये अरे है है ना नहीं है ये ऑब्जेक्ट है सर यार देखो ऐसे मत करो नहीं मैं सच बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट है सर ये आ रही है ये ऑब्जेक्ट है कैसे ऐसे जावास्क्रिप्ट से कन्वर्ट कर देती है इसमें और फिर जीरो लिखती है जो कि इंडेक्स है उसके आगे उसकी वैल्यू लिखती है जो कि वन है।, है हाँ सर आप ये प्रूफ कर सकते हो अभी हाल प्रूफ कर सकते हो हाँ प्रूफ कर दोगे हाँ करके बताओ करके बता दो ये देखो जब घी सीधी उंगली से ना मिल, ना निकले तो हमें क्या करना चाहिए जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो हमें उंगली नहीं डालनी चाहिए हर जगह उंगली डालना गलत बात होती है चम्मच से घी निकालो देखो कैसे क्या अरे में कभी भी आप नेगेटिव इंडेक्स रख सकते हो दुनिया में किसी लैंग्वेज में रख सकते हो नहीं इसमें रख सकते हो क्यों क्योंकि अरे आई नहीं हो सर ये क्या क्या बात कर रहा हाँ देखो मैंने अरे माइनस वन पे रख दिया टू और ये चलेगा हाँ कोई एरर आया नहीं आया चलेगा हाँ चेक कराओ ये लो सर वो क्या लिखा लास्ट में माइनस वन कोलन टू उसी को तो कह रहा था मैं अरे साला ये तो असली रूप में आ गया मैं भी वही कह रहा था मैं भी वही कह रहा था भाई आप अगर यहां पे अरे देखेंगे तो ये ऐसा कन्वर्ट होता है जीरो वन वन टू 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 थ्री एंड लेट्स से थ्री फोर और अगर आपकी वैल्यूज कुछ ऐसी होती ठीक है तो ये ऐसा होता है जीरो पे टू ट्वेंटी वन और यहाँ पे फोर फिफ्टी टू और यहाँ पे थ्री और यहाँ पे टू थ्री फोर फोर ऐसा होता इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हे भगवान हां तो सर मतलब पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा इसका टाइप ऑफ क्या है ऑब्जेक्ट का उसका भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है तो सर ये कैसे पता चलेगा कि कब ऑब्जेक्ट है और कब अरे है ये पता कैसे चलेगा अगर दोनों का ही टाइप ऑब्जेक्ट है कैसे पता चलेगा कैपिटल ई अरे डॉट इज अरे के अंदर अगर अरे रखोगे तो बताएगा ट्रू और अगर उसके अंदर ऑब्जेक्ट लिखोगे तो बताएगा फॉल्स अच्छा मतलब यह तरीका है यह पता करने का कि कब हमारे पास एक अरे है और कब हमारे पास ऑब्जेक्ट है जी सर यह सब कैसे याद रहेगा याद सिर्फ प्रैक्टिस से रहेगा कितनी बार तीस दिन लगातार हर दिन सेम टॉपिक्स हर दिन सेम टॉपिक्स तो और वो तो खूब सारी मेहनत है भूल जाओ नहीं तो फिर तुम बिना उसके कोई पैकेज नहीं लगने वाला बिना उसके जाओ बड़ा पैकेज चाहिए बड़ी मेहनत चाहिए सिंपल एज दैट चलो हाउ वी कैन मेक नेगेटिव इंडेक्सेज अरेजेस हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सुना इस वीडियो में नहीं डबल माइनस टॉपिक का ये वो टॉपिक है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एक अलग वीडियो में ऑब्वियसली और इसके लिए हम साढ़े दस बजे रात को एक लाइव करते हैं यारे भाईयों है जुड़ना अपडेटिंग ऑब्जेक्ट प्रॉप्स में सिखा चुका हूँ ऑब्जेक्ट तो प्रॉप देखो अब मुझे इसमें से एज हटानी है फिर सुनो हटानी मैं क्या नहीं कह रहा हूं एज की वैल्यू हटा दो ना ना एज ही हटा दो एज ही हटा दो कैसे डिलीट लिखो और उसके आगे ए डॉट एज ऐसे ही? हाँ। हट गई हाँ चेक ये लो यहां पे एज नहीं है ओ oh, यस yes. हाँ और नेम भी ऐसे हटा देंगे हाँ अब यहां पे कुछ भी नहीं है ठीक है भैया अगेन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन और रिलेटेड क्वेश्चन इनके मैं पूरी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ वीडियो बनाने में क्या रहेगा तुम लोग कुछ पूछ ही नहीं पाओगे आ, लाइव में जुड़ोगे तो रात को साढ़े दस बजे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अब बस अगले कुछ ही दिनों में तो आई बी रियली है तुम वहां से सीख सकते हो ठीक है मुझसे जुड़ सकते हो बातें कर सकते हो मेरे साथ खुशी होती है काफी बाकी भाइयों अपना बेस्ट दिया मैंने इस वीडियो में और मुझे लगता नहीं कि यार मैंने कोई कमी छोड़ी है तो मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा वीडियो ठीक है एक छोटा सा मैसेज भी इंस्टाग्राम पे कोई बंदा करता है ना तो गले से लगा के रखता हूँ मजाक से हट के मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं सच बताऊं तो बहुत बड़ी बात है एंड uh, बस मैं एक छोटा सा सपना है मेरे को अपनी मम्मी को यहाँ पर लेके आना है एंड uh, इस साल ही मैं चाहता था बट पता नहीं मालिक मदद करेगा तो जरूर मम्मी को भोपाल लाना है जिस दिन मैं मम्मी को भोपाल लाऊंगा उस दिन हम सब सेलिब्रेट करेंगे दोस्तों साथ में मैं आपके गोल्स में मदद करूंगा आप मेरे गोल्स में मदद करो बहुत सिंपल सा गोल है आई वांट के भाई हम एक uh, इस साल के एंड पे डेढ़ सौ के के आसपास या दो के के आसपास कहीं पर चैनल को पहुंचा पाएं ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी अगर तुम लोग इस वीडियो को अपने एक दोस्त से भी शेयर करोगे तो हम कंप्लीट कर पाएंगे दोस्त ठीक है मैं भी भाई कुछ नाम ही बनना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में लोग, लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं भाई अभी बुरा लगता है दोस्त बस इतना ही है और कुछ नहीं है चलो मेरे भाई अब जाओ अपने सीखे हुए ज्ञान को पॉलिश करो और तीस दिन बाद दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय दो सही है? मिलते हैं दोस्त बाय बाय